हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हज में मिना जाते हैं, मिजदल्फा जाते हैं, अरफात जाते हैं। आज तफसील से मैं आपको मिना के बारे में बताऊंगी। तो मिना एक वादी है जो मक्का मुकर्रमा से 6 किलोमीटर दूर है। इसके इर्द गिर्द पूरे पहाड़ हैं। इस जगह का नाम मिना होने के 3 रीज़न बताए जाते हैं। पहला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर यह ख्वाहिश की थी कि वो जन्नत में वापस चले जाएं। अरबी ज़बान में ख्वाहिश को उमनिया कहते हैं। उमनिया की नस्बत ही इस जगह का नाम मिना पड़ा। दूसरा, इस जगह पर हज के दौरान हुजाज इकराम कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करने से खून बहता है। अरबी ज़बान में खून बहने को यमुना फीहद दिमाग कहा जाता है। इस लफ्ज़ से नाम पड़ा मिना, और उस जगह को लोग मिना कहते हैं जहां पर लोग जमा होते हैं। ये मिना की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल कैफ है। यहाँ 3 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा करने आए थे तो सूरह नस्र मिना में ही नाजिल हुई थी। मिना में हुजाज इकराम 8 ज़िलहज को जमा होते हैं। मुज़दलिफा से वापसी पर हुजाज इकराम मिना आते हैं जमरात कंकरियां मारने के लिए। उसके 10 ज़िलहज्जा ईद उल अज़हा से लेकर 11, 12, 13 ज़िलहज्जा तक मिना में ही क़याम करते हैं। मिना दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी है। इसमें 2.6 मिलियन हुजाज इकराम आराम से स्टे कर सकते हैं। ब्रिज में जमरात ब्रिज बनाया गया। वक्त के साथ साथ यहाँ पर हुजाज इकराम की तादाद बढ़ने पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे और हुजाज इकराम शहीद होने लगे। इसलिए इसकी लेंथ बढ़ाई गई और थोड़े ही अरसे में एक ऐसा ब्रिज बना दिया गया जिसकी लेंथ 9050 मीटर है, जिसके अंदर 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर की हाइट 12 मीटर है। उसमें से 3 लाख हुजाज इकराम 1 घंटे में आसानी से गुजर सकते हैं। सभी टेंट एक ऐसे कपड़े से तैयार किए गए हैं जो आग नहीं पकड़ता, और हुजाज इकराम की सहूलियत के लिए हर एक टेंट में एसी भी लगी हुई है।